क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र। राजेंद्र कहाँ के हो बेटा? ये घटनाक्रम क्यों करना पड़ा आपको? मेरी गाड़ी गाने रखी थी इसीलिए मैंने करना पड़ा। आज प्रातः राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुटनी डैम के पास में एक यात्री बस को दो लोगों ने मोटरसाइकिल से जो जा रहे थे गए और रोक करके लूट की घटना को अंजाम दिया। इसमें उन्होंने कंडक्टर एवं अन्य यात्रियों से कुछ कैश, जेवर और मोबाइल छीना और वहां से भागे। इस घटना के बाद में हमारी टीम तत्काल ही एक्टिव हुई और हमारे जो खजुराहो SDOP के अंडर राजनगर खजुराहो थाना प्रभारी KL दाहिया, संजय सिंह, शिव कुमार, शत्रुघ्न अल्केश, इन सभी ने मिलकर के एक टीम के तौर पर काम किया और दो घंटे में ही ये ट्रेस कर लिया कि किन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। दो लोग जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनका नाम है राहुल तिवारी जो अतर्रा का रहने वाला है और राजेंद्र पटेल वो भी अतर्रा राजनगर का ही रहने वाला है और इन दोनों ने घटना को अंजाम दिया। अभी उनको गिरफ्तार किया गया है। आने वाले समय में उन्होंने जो घटना में मोटरसाइकिल और कट्टा प्रयोग में लाए हैं उसको एवं जो लूटी हुई सामग्री है सबको जब्त किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक तौर पर यह पता चला है कि एक आरोपी ने नई मोटरसाइकिल खरीदी थी उसकी किस्त चुकाने के लिए और दूसरे आरोपी ने गिरवी पर मोटरसाइकिल रखी थी तो उसका पैसा चुकाने के लिए इस तरह की प्लानिंग की और घटना को अंजाम दिया। सर, लगातार अगर छतरपुर में देखा जाए तो आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कट्टों की इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है, आए दिन कट्टों आ रहे हैं, क्या देखते हैं? अवैध हथियार निश्चित रूप से एक चैलेंज है और हम लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले समय में 200 से अधिक अवैध हथियारों पर हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, आने वाले समय में भी की जाएगी और जैसा कि मैंने पुनः आपके माध्यम से सभी को बताया था, पुनः मैं बताना चाहूँगा कि यदि कहीं भी कोई ऐसा कट्टा लेकर के घूमता है, बेचता है या बनाता है, उसकी जानकारी किसी के पास भी हो हमें अवश्य अवगत कराएं, हम उस पर सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करेंगे। लुटेरों से कितनी सामग्री बरामद हुई है? लुटेरों से अभी सामग्री बरामद होनी है और जो फरियादियों के द्वारा पूरी जानकारी ली जा रही है और वो पूरी सामग्री बरामद की जाएगी। निश्चित रूप से जो हमारी टीम जिनका मैंने अभी नाम बताया उनको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र। राजेंद्र कहाँ के हो बेटा? ये घटनाक्रम क्यों करना पड़ा आपको? मेरी गाड़ी गाने रखी थी इसलिए मैंने करना पड़ा। अच्छा, कहाँ पर आपने ये? इसलिए कि मान लो 2-3 दिन गिट्टी के रह गई थी कि इतने दिन में गाड़ी नहीं उठाओगे तो आपकी जब्त हो जाएगी। अच्छा, नहीं देंगे तो दोनों लोग थे साथ में? जी हाँ, नहीं उसकी बाइक है, उसकी किस्त होगी जितनी भी होगी जितनी मालूम। कहाँ से आए थे आप लोग? गाँव से? यस।